हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक रोमांटिक मूवी को एक्सप्लेन करेंगे और इस मूवी का नाम है फर्स्ट लव, जिसे 2015 में रिलीज किया गया था। इस मूवी में हम एक टीनेजर बॉय की कहानी देखेंगे जिसे एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है। वो उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। उस लड़की को पाने के लिए ये लड़का क्या क्या करता है, यही हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत एक एलेक्स नाम के लड़के से होती है। वो अपनी मॉम के साथ रहता है क्योंकि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है। एलेक्स जब अपने रूम में सो रहा होता है तब उसकी माँ आकर उसे उठाती है। इसके बाद एलेक्स स्कूल जाता है। यहीं पे हमें ये पता चलता है एलेक्स को पढ़ाई में मन नहीं लगता है और वो क्लास में भी अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होता है। उसकी टीचर उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और वो गुस्से से उसे क्लास से बाहर निकाल देती है। इसके कुछ देर के बाद वो अपने दोस्तों के साथ एक पार्क में बैठा होता है। तभी उन लोगों की नज़र तीन लड़कियों पर पड़ती है जो कि वहाँ से गुजर रही थी। इन लड़कियों को देखकर ये तीनों उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये तीनों इन्हें फॉलो करने लगते हैं। इसके बाद वो तीनों लड़कियां सुपरमार्केट में जाकर बियर खरीदती हैं। ये तीनों भी ठीक वैसा ही करते हैं और ये लोग भी बियर खरीदते हैं। जब ये तीनों गर्ल्स पार्क में बैठी होती हैं उसी वक्त कुछ लड़के आकर उन्हें परेशान करते हैं और उनके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। उन्हीं में से एक लड़का विका के पास जाता है। इस लड़की का नाम विका है और अब एलेक्स भी इसे पसंद करने लगा है। एलेक्स जब उस लड़के को विका के पास देखता है तो उसे गुस्सा आता है, लेकिन एलेक्स यहाँ कुछ भी नहीं करता है। इसके बाद वो तीनों गर्ल्स उन लड़कों के साथ चली जाती हैं। इसके बाद एलेक्स और उसके दोनों दोस्त भी इनके पीछे चले जाते हैं। एलेक्स चुपके से यहाँ बीका की वीडियो बनाता है। जब एलेक्स घर आता है तब वो उस वीडियो को देखता है। इसके बाद वो फेसबुक में बीका को सर्च करने लगता है। काफी देर सर्च करने के बाद उसे बीका की आईडी मिल जाती है और वो उसकी आईडी को चेक करने लगता है। इसके बाद वो बीका की सारी फोटोज को डाउनलोड करता है। अब एलेक्स हर वक्त बीका के बारे में सोचने लगता है और वो मिरर के सामने खड़ा होकर एक स्पीच बोलता है जो कि उसने विका के लिए तैयार किया था। अगले दिन हम एलेक्स को एक मेट्रो स्टेशन में देखते हैं जो कि वहाँ विका का वेट कर रहा होता है। तभी अचानक विका वहाँ आती है, लेकिन एलेक्स काफी शर्मिला है और इसलिए वो विका से बात नहीं कर पाता है। लेकिन एलेक्स हर वक्त विका के पीछे लगा रहता है। उसका पीछा करते हुए एलेक्स उसके घर तक पहुँच जाता है। इसके कुछ देर बाद हम लोग उन लड़कों को देखते हैं जो कि कुछ देर पहले पार्क में विका से फ्लर्ट कर रहे थे। ये सारे बॉयज विका के अपार्टमेंट में ही रहते हैं। विका जब रास्ते से गुजर रही होती है तब ये लोग विका को अपने पास बुलाते हैं, लेकिन विका इन्हें इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद इन लोगों की नज़र एलेक्स पर पड़ती है और ये लोग एलेक्स को वहाँ बुलाते हैं, लेकिन एलेक्स उन लड़कों के पास नहीं जाता है और वो वहाँ से वापस अपने घर आ जाता है। जब वो अपने घर में पहुँचता है तब वो देखता है उसके मॉम के साथ एक आदमी है। यहीं पर हमें ये पता चलता है ये आदमी एलेक्स की मॉम का बॉयफ्रेंड है। एलेक्स उस आदमी को देखकर गुस्सा होता है। इसके बाद वो अपने रूम में आ जाता है। इसके कुछ देर बाद उसकी मॉम उसके कमरे में आती है, लेकिन एलेक्स कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। थोड़े समय बाद जब एलेक्स अपने रूम से बाहर निकलता है तब वो देखता है वो आदमी उसके मॉम के साथ इंटीमेट होना चाहता है, लेकिन एलेक्स की मॉम उस आदमी को मना कर रही होती है, लेकिन वो आदमी जबरदस्ती करने लगता है। इसके बाद एलेक्स की मॉम उस आदमी को मारती है और उस आदमी को अपने घर से निकल जाने के लिए कहती है। इधर एलेक्स अपने कमरे में विका की फोटोज देख रहा होता है। अगले दिन एलेक्स और उसका दोस्त विका के अपार्टमेंट के पास जाते हैं। तभी इन लोगों की नज़र उन चारों बदमाश लड़कों पर पड़ती है, लेकिन एलेक्स इन चारों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और वो जल्दी से विका के अपार्टमेंट में इंटर करता है। इसके बाद वो वहाँ बैठकर विका के लिए एक लेटर लिखता है। वो अपनी दिल की बात इस लेटर में लिखता है, जो भी वो विका से कहना चाहता था। तभी उसकी नज़र खिड़की से बाहर रास्ते पर पड़ती है। वो देखता है विका उस अपार्टमेंट में आ रही है। यहाँ एलेक्स सीढ़ियों में बैठकर विका का वेट कर रहा होता है, लेकिन विका सीढ़ियों के बजाय लिफ्ट से आती है। जब एलेक्स को यह सब पता चलता है तब एलेक्स भागते हुए ऊपर जाता है, लेकिन तब तक विका अपने रूम में जा चुकी थी। इसके बाद एलेक्स अब वहां से वापस आने की सोचता है। इसके बाद एलेक्स अपसेट हो जाता है, लेकिन अचानक विका उसके सामने आ जाती है। एलेक्स और विका की नज़रें आपस में मिलती हैं, लेकिन इन दोनों में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि ये दोनों एक दूसरे से बात कर पाते। जब एलेक्स अपने घर वापस आ जाता है तब वो फिर से विका की फोटोज देखने लगता है। विका की आईडी को देखते हुए एलेक्स को ये बात पता चलती है, हर वीकेंड में एलेक्स के अपार्टमेंट में पार्टी होती है। शाम में एलेक्स और उसका फ्रेंड इस पार्टी में शामिल होने के लिए विका के अपार्टमेंट में जाते हैं और ये दोनों बाथरूम के खिड़की से उस अपार्टमेंट में घुस जाते हैं। इसके बाद वो पार्टी में शामिल होते हैं। इस पार्टी में विका अपने फ्रेंड्स के साथ होती है। तभी एलेक्स हिम्मत करके विका के पास आता है और वो उसे अपने साथ डांस करने के लिए पूछता है। इसके बाद विका और एलेक्स एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ डांस करते हुए दोनों कम्फर्टेबल नहीं थे। यहाँ तक कि ये दोनों डांस करते हुए एक दूसरे को नहीं देख रहे थे। इसके कुछ देर बाद एलेक्स इस बात को नोटिस करता है उसका फ्रेंड इस पार्टी में नहीं है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब वो पाता है विका भी वहाँ नहीं है। उसी वक्त विका की एक फ्रेंड एलेक्स के पास आती है और वो लड़की एलेक्स से ये कहती है
कि विका उससे अकेले में बात करना चाहती है। ये कहकर एलेक्स को वो अपने साथ ले जाने लगती है। लेकिन जब एलेक्स कुछ दूर जाता है तब वो देखता है वो बदमाश लड़के उसके सामने हैं और उनके पीछे विका और उसकी फ्रेंड खड़ी थी। वहीं पे एलेक्स का फ्रेंड भी होता है जिसे इन लड़कों ने बहुत मारा था। इसके बाद ये बदमाश लड़के एलेक्स को भी मारते हैं। जब एलेक्स अपने घर आता है तब उसकी मॉम उसे देखकर गुस्सा होती है। उसकी मॉम एलेक्स के डैड को कॉल करती है और उसे सब कुछ बताती है। इसके बाद एलेक्स भी अपने डैड से बात करता है। एलेक्स अपने डैड से ये कहता है कि वो ये सब आसानी से संभाल लेगा। अब एलेक्स विका की इस हरकत से उस पर बहुत गुस्सा था और वो अब विका की सारी फोटोज डिलीट करने लगता है। इसके बाद एलेक्स और उसका फ्रेंड वीडियो गेम खेलते हैं। एक दिन एलेक्स जब अपने खिड़की के पास बैठा होता है तब वो देखता है विका अपने फ्रेंड के साथ उसके घर की तरफ आ रही है। एलेक्स का एक दोस्त नीचे बैठा होता है। ये तीनों गर्ल्स उस लड़के से बात करती हैं और ये लोग उस लड़के से एलेक्स का पता पूछती है। एलेक्स का दोस्त इन लड़कियों को एलेक्स का रूम दिखा देता है। जब ये लोग ऊपर आती हैं तब एलेक्स इन लोगों के सामने नहीं आता है। एलेक्स का एक फ्रेंड विका की फ्रेंड से बात करता है। विका की फ्रेंड एलेक्स के फ्रेंड से कल रात के लिए माफी मांगती है और ये उन लड़कों के बारे में ये बताती है कि उन्हें मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। इसके बाद वो एलेक्स के फ्रेंड को एक लेटर देती है और वो कहती है ये लेटर एलेक्स के लिए है जो विका ने उसे दिया है। इसके बाद एलेक्स उस लेटर को पढ़ता है जिसे पढ़कर वो बहुत खुश होता है क्योंकि उस लेटर में विका ने एलेक्स से माफी मांगी थी और उस लेटर में विका का मोबाइल नंबर भी लिखा होता है। इसके बाद एलेक्स और विका के फ्रेंड्स सभी लोग साथ में घूमने जाते हैं। ये लोग साथ में बहुत मस्ती करते हैं। एलेक्स जब विका को छोड़ने के लिए उसके अपार्टमेंट में जाता है तब वो लड़के फिर से एलेक्स को मारने के लिए दौड़ाते हैं। तब एलेक्स और विका भागने लगते हैं और विका भागते हुए एलेक्स को लेकर अपने घर में पहुंच जाती है। इसके बाद विका एलेक्स को अपने फैमिली से मिलवाती है और उसे अपने रूम में ले जाती है। ये दोनों एक साथ रूम में काफी देर तक रहते हैं और ये दोनों आपस में बातें करते हैं। इसके बाद एलेक्स अपने घर जाने लगता है। विका उसे छोड़ने के लिए लिफ्ट तक आती है तभी ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जब एलेक्स उस अपार्टमेंट से बाहर निकलता है उसी वक्त वो बदमाश लड़के एलेक्स को घेर लेते हैं और अब ये लोग एलेक्स को मारने वाले होते हैं। लेकिन उसी वक्त पुलिस वहां आ जाती है। पुलिस एलेक्स से पूछती है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, क्या ये लड़के तुम्हें परेशान कर रहे हैं। एलेक्स पुलिस से ये कहता है नहीं मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा है, ये सब मेरे दोस्त हैं। इसके बाद पुलिस वहां से चली जाती है। ये सब देखकर वो लड़के भी एलेक्स को छोड़ देते हैं और वहां से वो भी चले जाते हैं। अगले दिन विका एलेक्स के घर में आने वाली थी इसलिए वो अच्छे से तैयार होती है। वहीं दूसरी ओर एलेक्स भी अपने रूम को अच्छे से साफ करता है और वो विका को रिसीव करने के लिए मेट्रो स्टेशन तक जाता है। इसके बाद एलेक्स उसे लेकर अपने घर आता है। इस वक्त एलेक्स की मॉम घर पर नहीं होती है। इसके बाद एलेक्स विका को अपने रूम में ले जाता है और वो उसे अपना रूम दिखाने लगता है। कुछ देर बातें करने के बाद ये दोनों ड्रिंक करते हैं। यहीं पे एलेक्स एक रोमांटिक म्यूजिक प्ले करता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। डांस करते हुए दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह जब एलेक्स की मॉम घर वापस आती है तब वो सोफे में पड़ी एक जैकेट और लेडीज बैग देखती है। इसके बाद वो सीधा एलेक्स के रूम में जाती है। वो दोनों एक साथ सोए हुए होते हैं, वो भी बिना कपड़ों के। इसके बाद एलेक्स की मॉम बाहर आकर रोने लगती है। उसी वक्त विका की नींद खुल जाती है और वो एलेक्स को जगाती है और उससे कहती है तुम्हारी मॉम आ चुकी है और तुम्हारी मॉम ने हम दोनों को देख लिया है। एलेक्स जल्दी से कपड़े पहनकर अपने रूम से बाहर आता है। लेकिन तब तक एलेक्स की मॉम घर से जा चुकी थी क्योंकि वो एलेक्स को फेस नहीं करना चाहती थी। एलेक्स अपनी बालकनी से उन्हें जाते हुए देखता है। इसके बाद एलेक्स अपने रूम में वापस आता है। एलेक्स जब विका को देखता है तब विका एलेक्स को देखकर स्माइल करने लगती है। एलेक्स भी उसे देखकर स्माइल करता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।